गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, किसी भी विध्वंसकारी ताकतों को पनपने नहीं देंगे। उन्होंने चेताते हुए कहा कि गलत करोगे तो रोकेंगे, नहीं मानोगे तो ठोकेंगे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कांग्रेस गुटबाजी की पार्टी बनकर रह गई है। नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अखंड भारत की कल्पना को नेहरू गांधी परिवार ने तोड़ा है और यह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पुस्तक ने सिद्ध कर दिया है। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हिंदू परंपराओं पर चला, लेकिन नेहरू गांधी परिवार तुष्टीकरण की नीति पर जीवन भर चला। इसी तुष्टीकरण के चलते अखंड भारत की कल्पना साकार नहीं हो पाई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को लगातार झटके लग रहे हैं, उनकी कैबिनेट से ही आधा दर्जन के मंत्री अनुपस्थित हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सली गतिविधियों को भी खत्म करने की बात कही। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर निशाने में लिया है और कहा कमलनाथ का एक भी कार्य अपने बयान के मुताबिक नहीं किया। कांग्रेस का जन्म ही गुटबाजी में हुआ है। कमलनाथ गुट, दिग्विजय गुट, अजय सिंह गुट, पचौरी गुट, यहाँ कई गुट बने हुए हैं जो उनके लिए दिक्कत की बात है। गलत करोगे रोकेंगे, नहीं मानोगे ठोकेंगे। एक कानून है, इसका ध्यान रखें। मैंने कहा था जिस घर के पत्थर आएंगे उसी के पत्थर निकाले जाएंगे। समाज को तोड़ने वाली ताकत कोई भी हो, विध्वंसकारी ताकत कोई भी हो, इस मध्य प्रदेश में कानून का राज्य, हम किसी को पनपने नहीं देंगे। प्रणव दा की पुस्तक ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अखंड भारत की कल्पना को खंड खंड करने का काम नेहरू गांधी परिवार ने किया। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, बहुसंख्यक थे, और नेहरू गांधी परिवार तुष्टीकरण की नीति पर जीवन भर चला। वही तुष्टीकरण का परिणाम है कि हमारे अखंड भारत की कल्पना साकार नहीं हुई। अनेक झटके ममता जी को लग रहे हैं, उनकी सरकार को लग रहे हैं ममता जी से अभिप्राय, और आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री अनुपस्थित हैं उनकी कैबिनेट से। ये इस बात का द्योतक है, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री की बात की पुष्टि है कि चुनाव आते आते तक ममता दीदी अकेली रह जाएंगी, अकेली पड़ जाएंगी। मित्रों, वहाँ उनका सिंहासन डोल रहा है, जनता और कार्यकर्ता साथ मिलकर आज चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा की सरकार बनना तय है। और आगे भी कोई नक्सली अगर मध्य प्रदेश में कदम बढ़ाएगा तो हम मार देंगे। मैंने कहा ना कि गलत करेंगे रोकेंगे, नहीं मानेंगे ठोकेंगे। कमलनाथ जी कहते कुछ है और करते कुछ है। आज तक एक भी ऐसा बयान कमलनाथ जी का बताओ कि उनने जो कहा सो किया। सिंगल कांग्रेस का जन्म ही गुटबाजी में हुई है, उसकी रचना ही इस तरह की है कि वो गुटबाजी में, वो कोई कैडर बेस पार्टी थोड़ी है, गुट प्रधान पार्टी है। कमलनाथ गुट का, दिग्विजय गुट का, पचौरी गुट का, अजय सिंह गुट का, अरुण यादव गुट का, ये जो गुटके हैं, ये दिक्कत है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।